एक्सरसाइज 14.1 पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए ये बहुत सारे ये तीन त्रिभुजों के दिए गए हैं, तो चलिए हम एक भी बनाएंगे तो आपका काम चल जाना है। चलिए हम लोग लिखेंगे कि माना त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है। ठीक है, ये तीन भुजाएं दी गई है, यानी कि ए को मान लीजिए 13, बी को मान लीजिए 14 और सी को मान लीजिए 15। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, तो पहले तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या, भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 13 + 14 + 15 जोड़ दीजिए, ये 5 4 9 3 12 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका परिमाप निकल गया। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो किससे, हीरोन सूत्र से। तो आपको अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, तो यहाँ निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, या सिंपल अर्ध परिमाप भी लिखिएगा तो चलेगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 2, तो ए बी सी दिया ही है, यानी कि दिया है 13 + 14 + 15 और बट्टा में 2, यानी कि 42/2 सेंटीमीटर, यानी कट जाएगा 21, 21 सेंटीमीटर आ गया एस। और भुजाएं दी हुई है, तो अब हीरोन सूत्र लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये ना होता है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एस की जगह कितना है, 21 माइनस ए यानी कि 13, 21 माइनस बी यानी कि 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अंदर सॉल्व करते हैं, 21 यहाँ घटा दीजिए 8 आएगा, क्या यहाँ घटाइए तो 7 आएगा और यहाँ घटाइए तो 6 आएगा। चलिए अब इसमें करना क्या होता है कि सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 का करिएगा तो 3 × 7 हो जाएगा और 8 का करिएगा ना तो 2 × 2 × 2 होगा, 7 को ऐसे ही रखेंगे वो नहीं हो सकता है और 6 का 2 × 3 होगा ना, तोड़ देंगे इसको। तो देखिए 3 जो है ना 2 बार है, एक बार आएगा रूट से बाहर निकलेगा तो 7 भी एक बार आएगा और 4 ये आपका आ जाएगा, यानी 2 2 बार आएगा क्योंकि 4 बार है ना 2, इसलिए 2 बार पेयर बन जाएगा तो वही 2 बार बाहर निकल गया। अब इसको गुना कर दिए, 7 × 21 = 42 × 2 = 84 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए, चलिए अगला